क्या आप अपने दांतों में कैविटी से परेशान हैं? आप अच्छे ढंग से ब्रश करते हैं, अच्छे ढंग से आपके ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, फिर भी आपके दांतों में बहुत सारी कैविटीज है, एंड या फिर आपके बच्चों के दांतों में बहुत सारी कैविटीज है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 15 ईयर्स। तो आज की वीडियो में आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि कैविटीज यानी कि दांतों में सड़न होने का क्या रीजन होता है, क्यों दांतों में सड़न होता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप लोग बहुत अच्छे से ब्रश करते हो, कहते हो कि मैम हम तो 2 टाइम ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दांतों में इतनी सारी कैविटीज क्यों है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि कैविटी होने के पीछे का क्या रीजन होता है एंड इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डेंटल कैविटीज यानी कि दांतों में सड़न होना एक बहुत आम बात है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। बहुत सारे लोगों के हम देखते हैं कि दांतों में सड़न होती है, कैविटीज होती है, एंड कुछ पेशेंट के माइंड में ये थॉट रहता है कि मैम हम तो अच्छे से ब्रश करते हैं या फिर हम अपने बच्चों के अच्छे से दांतों की केयर करते हैं, फिर भी इनके दांतों में बहुत सारी कैविटीज है या फिर हमारे दांतों में बहुत सारी कैविटीज है, तो इसका क्या रीज़न होता है। तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न देखा गया है वो होता है आपका डाइट। डाइट में आपका केवल सुगर आइटम्स ही नहीं आते, और चीज़ें भी आती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है कि मैम हमारा बच्चा तो बिल्कुल सुगर नहीं लेता, लेकिन उसके दांतों में इतनी सारी कैविटीज क्यों हैं। तो केवल सुगर ही कैविटी कॉजिंग नहीं होता है, सुगर के अलावा भी बहुत सारे डाइटरी फैक्टर होते हैं जो आपके बच्चे के या फिर आपके माउथ में कैविटी कॉज करते हैं। जैसे कि आप जंक फूड अगर ज़्यादा लेते हैं, यानी कि पिज़्ज़ा ज़्यादा लेते हैं, बर्गर ज़्यादा लेते हैं, बिस्किट्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं, या आपके बच्चों में बिस्किट खाने की आदत होती है, चॉकलेट ज़्यादा लेते हैं, अगर ये जो जंक फूड होते हैं ये अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो इनका जो स्टिकनेस होता है, इनके जो फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके बच्चे के दांतों में या फिर आपके दांतों में चिपक जाते हैं एंड वो कैविटी कॉज करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके ऐसी हैबिट है कि आप बिस्किट ज़्यादा लेते हो, पहले तो आपको अपनी हैबिट में चेंज करना, अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। दूसरा आपको क्या करना है, आप जब भी कुछ लेते हैं, कुछ भी आप खाना खा रहे हो, तो उसके बाद आपको माउथ रिंस करना है, कूला करना है। तो माउथ रिंस आप नॉर्मल वाटर से कर सकते हो, अच्छे से कूला करा सकते हो अपने बच्चों को, जिससे उनके दांतों में ये सब चीज़ें कुछ भी ना चिपके। एंड कुछ लोगों का होता है कि बच्चों को रात में दूध फीड कराते हैं, अगर ऐसी हैबिट है तो वो हैबिट आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 या 1.5 साल के बाद बोतल फीडिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए बच्चों को। एंड स्पेशली जो बच्चे सोते वक्त बोतल लेके सोते हैं उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो ये हैबिट आपको चेंज करना है। दूसरा जो होता है कि फ्रिक्वेंट स्नैकिंग, कुछ लोगों की आदत होती है कि बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते रहना है, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है, या फिर अपने बच्चों को हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ स्नैक्स देते रहते हैं, तो उससे क्या होता है उनके माउथ में जो पीएच लेवल है तो वो कम हो जाता है एंड उनका जो खाना होता है वो दांतों पे चिपका रह जाता है एंड उससे उनके कैविटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग भी करा रहे हो अपने बच्चों को, तो उसके बाद जैसे कि मैंने अभी आपको बताया माउथ रिंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माउथ रिंस आपको कराना ही कराना है। तो खुद भी आप अगर ऑफिस में है तो आपको पानी पीना है कुछ भी खाने के बाद, उसके बाद कूला करना है। तो ये अगर आप हैबिट रखोगे तो ट्रस्ट में आपके दांतों में जो कैविटी वो नहीं होगी एंड आपके दांत हेल्दी रहेंगे। तो ये हैबिट आपको जरूर अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जो हैबिट होती है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है कैविटी कॉजिंग का, वो होता है कि आपकी ब्रशिंग टेक्निक। अगर आप अच्छे ढंग से ब्रशिंग नहीं करते हो, लेकिन अभी मुझे कुछ लोग कहेंगे कि मैम ब्रश तो हमारा बच्चा 2 टाइम करता है या फिर हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ब्रशिंग करने का तरीका नहीं पता होता है, यानी कि टेक्निक नहीं पता होती है। तो ब्रशिंग टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से ब्रश किया जाता है तो आपके दांतों में कैविटी जरूर होंगी। तो आपको किस साइड किस तरीके से ब्रश करना है, आपको बैक साइड में जब आप ब्रश करोगे पीछे के साइड में, तो आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, एंड जो फ्रंट में ब्रश करोगे तो अप एंड डाउन मोशन में आपको ब्रश करना है। तो इस तरीके से आप ब्रश अगर करोगे रेगुलरली तो आपके माउथ में कैविटीज नहीं होंगी। एंड ट्रस्ट में जिनके दांतों में कैविटीज होती है वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे गलत कर रहे हैं।
क्या चीज ऐसी है जो वो सही ढंग से नहीं कर रहे, तो ब्रशिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है कि कितनी देर तक ब्रश करते हो। 2 मिनट से ज्यादा ब्रशिंग नॉट रिकमेंडेड। कुछ लोग 5-7 मिनट आराम से ब्रश करते रहते हैं, वो नहीं करना है। कुछ लोग ब्रश बहुत जोर से करते हैं, वो भी नहीं करना आपको। तो ब्रश ऑलवेज सॉफ्ट ब्रश से करिए, बहुत स्मूथली करिए, बहुत आराम से करिए। एंड जो टेक्निक मैंने अभी आपको बताया, आप उस टेक्निक को फॉलो जरूर करिए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है जेनेटिक। कुछ लोगों में देखा गया है कि उनके पेरेंट्स में हाई केरीज इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा कैविटीज़ है पेरेंट्स में, तो उनके बच्चों में भी कैविटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके दांतों में कैविटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपको रेगुलर विजिट डेंटिस्ट को करना करना है। एवरी 6 मंथ में डेंटिस्ट को दिखाना है, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि कोई इनिशियल कैविटीज़ हो, शुरुआत की कैविटी हो, वो तुरंत फीलिंग से ठीक हो जाएगा। एंड कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं जिनसे कैविटीज़ होती ही नहीं, जैसे कि हमारा फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है। अगर आप अच्छे से फ्लोराइड लगाओगे अपने दांतों में, एंड ये प्रोफेशनली लगाया जाता है, यानी कि डेंटिस्ट ही फ्लोराइड लगाएंगे, तो अगर आप फ्लोराइड ट्रीटमेंट कराते हो अपने दांतों में रेगुलरली, तो आपके दांतों में कैविटीज नहीं होगा। और यही चीज़ आपके बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है कि आप अगर अपने बच्चों के दांतों को अच्छा देखना चाहते हो, तो उसमें फ्लोराइड जरूर करवाइए। एवरी 6 टू 7 मंथ में एक बार फ्लोराइड ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिनसे क्या होगा, आपके बच्चे के या फिर आपके दांतों में कोई कैविटी नहीं होगी और आपके दांत हेल्दी रहेंगे। तो बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या होता है, तो अगर आपको नहीं पता, आप किसी नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करके अपने बच्चे के दांत में और आप खुद के दांतों में भी फ्लोराइड लगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है कि बहुत सारे लोग ना फ्लॉस नहीं करते हैं। फ्लॉसिंग, डेंटल फ्लॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फ्लॉस एक थ्रेड जैसा होता है, इसको क्या करना होता है, आपको दांतों के बीच में अच्छे से खाना खाने के बाद फ्लॉसिंग करनी पड़ती है, जिनसे क्या होता है कि अगर दांतों के बीच में कोई खाना फंस गया है तो वो आराम से निकल जाता है। फ्लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दांतों के बीच में, दो दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है उसको निकाल देता है। तो आपको करना है क्या, जब भी आप खाना खाते हो स्पेशली नाइट टाइम में, तो ये फ्लॉसिंग जरूर करिए, अपनी हैबिट में डालिए कि डेंटल फ्लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इससे क्या होगा, आपके दांतों में कोई कैविटी, कोई बैक्टीरिया नहीं नहीं लगेगी। तो आज की इस वीडियो में यही तक था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, तो यू कैन राइट मी द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।